हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज वीकेंड स्टार्ट हो गया है और सबसे ज़्यादा ना मतलब मैं एक्साइटेड हूँ पोलू के लिए, बिकॉज उसने पूरा वीक वेट किया है गाइस मतलब साइकिल चलाने के लिए। और आज हम लोग जाएंगे लेजिस्लेचर और वहाँ पर जाकर के हम लोग आज पोलू के लिए साइकिल भी चलाएंगे। एंड गाइस, यहाँ स्प्रिंग के टाइम पर ना लेजिस्लेचर बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर ब्लॉसम फ्लावर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ें हम लोग आज जाके एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग को भी दिखाएंगे यहाँ का खूबसूरत नज़ारा जो आपको लेजिस्लेचर से दिखेगा, और पोलू की साइकिलिंग करेंगे। एंड गाइस, जैसे अभी वीकेंड चल रहा है तो आज पोलू की स्विमिंग लेसन की क्लास होती है, तो हम लोग अभी उसी के लिए जा रहे हैं। एंड गाइस, यहाँ देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी डाउनटाउन के अंदर ही बिल्कुल शांत है, सुबह सुबह है ना, लोग रेस्ट कर रहे होंगे तो बहुत प्यारा लग रहा है अभी यहाँ पर भी गाइस। सो गाइस, अभी स्विमिंग लेसन से तो आ गए हैं हम लोग, और देखो आज खाने में ना बहुत स्पेशल चीज़ बनी है आज हम लोग के घर में। इंडिया में मतलब ये अक्सर करके हम लोग ना शादी वगैरह के टाइम पे खाते थे, या फिर एक बार मुझको याद है कि सबसे पहली बार मैंने टेस्ट की थी आगरा के अंदर, वहाँ पे बहुत फेमस है गाइस ये, और गुड़गांव में भी मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से मिलती हैं। देखो क्या बनाया है यहाँ पर, यह है गाइस सूखी हुई कचौड़ी है ये, है ना, और साथ में आलू की सब्जी है। ब्रेकफास्ट के लिए तो मतलब इतनी शानदार होती है बहुत ज़्यादा। लास्ट मैंने गुड़गांव में बहुत खाई है ये, और उससे पहले मैंने एक बार मुझे मौका मिला था आगरा जाने का, तो मुझे वहाँ पता चला था कि वहाँ के लोगों का तो ये मतलब एक तरीके से ना फेमस ब्रेकफास्ट है, तो आज हम लोग उसी को टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ कनाडा में आकर के पहली बार हम लोगों ने इसको बनाया है, चलो फटाफट टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे लेजिस्लेचर। गाइज, मीनाक्षी ने बहुत मेहनत की है इसको बनाने में, और वाकई में मतलब उसकी मेहनत वसूल हो गई गाइज, और फुल टेस्ट आ रहा है एकदम से गाइज, बिल्कुल वैसे महसूस हो रहा है जैसे ना हम लास्ट गुड़गांव में खाई थी, बहुत शानदार टेस्ट आ रहा है। सो गाइज, फाइनली हम सब लोग भी रेडी हो गए लेजिस्लेचर जाने के लिए, और गाइज आप पोलू की एक्साइटमेंट देख रहे होंगे, ये साइकिल छोड़ नहीं रहा है, कह रहा है कि चलो जल्दी से चलते हैं। तो अभी फाइनली सब लोग रेडी हो गए, जब से साइकिल आई है गाइज ये ना मतलब हमेशा कहता रहता है कि कब चलेंगे कब चलेंगे, तो फाइनली आज लेजिस्लेचर जा रहे हैं, यहाँ पे पूरी अपनी वो साइकिल राइड करेगा वहाँ पे, तो चले बोलू। गाइज, स्प्रिंग के टाइम में ना एक एक चीज़ें बिल्कुल अलग से अपने रौनक में आती हैं जो नेचर की हैं, और ये वाला देखो बिल्कुल हमारे घर के सामने ही ना पाइन ट्री है यहाँ पे गाइज, कितना सुंदर लग रहा है एकदम से। और साथ में देखो यहाँ पे छोटे छोटे से ये जो यहाँ पे लगा रखे इन्होंने काइंड ऑफ मतलब पौधे हैं, फ्लावर पॉट जैसे लग रहे हैं अपने आप में ये। गाइज, यहाँ पे देखो ना एक होटल है उसके पास में, यहाँ पे देखो ना ये पोस्टर टाइप के लगा रखे हैं, काइंड ऑफ पेंटिंग जैसी लग रही हैं, तो इसी में वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ एडमिंटन के अंदर ना घूमने वाली हैं, एक काइंड ऑफ मतलब टूरिस्ट प्लेस। और देखो गाइज, इसमें से ये वाला ये रहा यहाँ पे, ये यहाँ का लेजिस्लेचर का है, इसको दिखा रखा है इन्होंने कि वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस है, इसको लोगों को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए, हम लोग यहीं पर ही जा रहे हैं आज अभी। गाइज, मौसम थोड़ा सा मिक्स है अभी, हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है, थोड़े से क्लाउड भी हैं और धूप भी निकली हुई है, जो फील्स लाइक टेम्परेचर अराउंड 15 के आसपास है, जो अभी जैसे आज 1 जून है ना, तो एक तरीके से समझ लीजिए कि समर स्टार्ट हो गई है अभी, तो ऐसे के लिए मतलब बढ़िया एकदम से टेम्परेचर हो रखा है। हमने तो अपना सनस्क्रीन वगैरह लगा ली कि भाई ठीक है धूप में जाएंगे थोड़ा सा विटामिन डी भी मिलेगी, और जो हमारे टैनिंग है वो भी नहीं होगी, तो अभी जाएंगे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पर, आप लोग को भी दिखाएंगे कितने प्यारे प्यारे भी लोकेशन हो रखी है यहाँ लेजिस्लेचर के अंदर, और पोलू को भी देखेंगे कितना फन करने वाला है आज। सो गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी लेजिस्लेचर, और देखो यहाँ पर ना बहुत प्यारी लोकेशन है गाइज, ये काफ़ी सारे लोग अभी आ रखे भी हैं यहाँ पर घूमने के लिए, और जैसे पोलू के हिसाब से ना जैसे अभी पोलू रेडी हो गया अपनी साइकिल राइड करने के लिए, तो यहाँ पर देखो अभी तो हम लोग बिल्कुल एकदम से एंटर किए हैं यहाँ पर, ये लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ बच्चे चला भी रहे हैं साइकिल अभी, है ना, तो अभी हम लोग पहले थोड़ा सा यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, और फिर ये सामने की तरफ है, वहाँ से हम नीचे जाएंगे तो नीचे काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर, तो फिर वहाँ नीचे पहुँचेंगे और फिर वहाँ पर भी राइड करेंगे साइकिल। पोलू रेडी? यस। देखिए फाइनली पापा पोलू को सिखा रहे हैं दोबारा से साइकिल चलाना, ये पोलू स्टार्ट कर दिया है। कैसा लगा साइकिल चला के आपको? मजा आया? इंडिया वाली यादें ताजा हो रही है? गाइज, आप लोगों ने देखा पोलू तो मतलब बहुत अच्छे साइकिल चला रहा है, एक्चुअली चलाएगा भी क्योंकि इंडिया में उसने साइकिल बहुत चलाई है, यहाँ पे 1.5 साल से उसको बेचारे को मौका नहीं मिला था, बट अभी मौका मिला था, बहुत अच्छी चलाई है। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ में, वहाँ पर नीचे थोड़ा सा मतलब कच्चा भी है जैसे मिट्टी वाले ग्राउंड भी हैं, तो वो भी चीज़ होगी, थोड़ा सा मतलब आप लोग को दिखाएंगे वहाँ पर ब्यूटीफुल यहाँ पर स्प्रिंग वाला व्यू एकदम से। एंड गाइज, सामने देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है लेजिस्लेचर यहाँ का अल्बर्टा का, ये एडमिंटन के अंदर है डाउनटाउन में, तो अभी हम लोग नीचे चलते हैं और करते हैं फन। गाइज, बाइसिकल राइड करते करते देखो हम लोग बिल्कुल पास आ गए हैं अभी यहाँ लेजिस्लेचर बिल्डिंग के, एक्चुअली इसका जो आर्किटेक्चर है ना बहुत प्यारा लगता है मेरे को, तो देखो शायद आप लोग को भी यहाँ पे देख के लगेगा कि
कितना प्यारा आर्किटेक्चर है। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना मुझे लगा नहीं यहाँ पे, वरना जो ये सामने आपको जगह दिख रही है ना, यहाँ पर स्प्रिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा पौधे रहते थे। इस बार मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर वो चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं फिर कि और कुछ है क्या। सो गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पर। ये जो लोकेशन आप देख रहे होंगे ये हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन है भाई, यहाँ लेजिस्लेचर के अंदर। यहाँ पर आते हैं हम ग्राउंड में, यहीं पर कहीं पर अपना भाई बैठते हैं, हम लोग खाते पीते हैं, मौज करते हैं। और देखो जैसे ये वाला पाथवे आपको दिख रहा है, यहाँ पे अक्सर करके हमको लोग साइकिल चलाते हुए दिखते हैं। और ये फैला हुआ है बिल्कुल, आप इधर की तरफ चले जाओ, फिर लेफ्ट में भी, फिर राइट में भी है ना, और ऊपर की तरफ में जिन लोग को थोड़ा सा और एक्सरसाइज अच्छी करनी हो तो आप हिल ऊपर की तरफ में है ना। और देखो यहाँ सामने की तरफ में ये किस तरीके से हिल्स बनी हुई है टाइप की। तो कई बार होता है कि पोलू ऊपर जाता है, विन्नी जाते हैं, वहाँ से भागते हुए आते हैं, पूरा फुल फन करते हैं ये लोग। जा रहे हो अभी? जाओ 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 जाओ, ये देखो भाग के जा रहा है ऊपर और वहाँ से फिर भागते हुए आएगा। तो एंजॉय करते हैं ये लोग इस चीज़ को। और गाइज अभी तो जैसे एकदम से ना समर स्टार्ट हो रही है, तो ग्रीनरी की वजह से ना भाई जो लुक आ रहा है यहाँ पे एकदम ऑसम है गाइज। पूरे लेजिस्लेचर के अंदर चार्मिंग है बिल्कुल एकदम से। हालांकि जैसे मैं महसूस कर रहा था कि जैसे स्प्रिंग अभी थी तो फ्लावर्स यहाँ पे बहुत मुझको मिलेंगे, तो वो मैं अभी मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। शायद हो सकता है कि अभी ये लोग उस चीज़ को आगे प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो पोलू आ रहा है भाग के ऊपर से, हिल के ऊपर से, ये देखो ये पोलू। एंड गाइज ऐसे लग रहा है मेरे को आज शायद यहाँ पे ग्राउंड में ना कोई फंक्शन है। देखो यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा कुछ छोटी छोटी सी इन्होंने कैनोपी टाइप के लगा रखी हैं, जैसे ये कुछ खाने वगैरह के लिए कुछ स्टॉल्स होंगे। सामने वो वहाँ पर इन्होंने कोई स्टेज भी है ये वाली, तो यहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह होता है, कोई परफॉर्मेंस होती है, तो वैसे ही कुछ आज शायद होने वाला है। काफ़ी सारी यहाँ पर लगा रखी है इन्होंने कैनोपी। ये देखो गाइज काफ़ी बड़ा प्रोग्राम लग रहा है आज यहाँ पर, और सामने की साइड में भी इन्होंने कर रखा है ये अरेंजमेंट यहाँ पर। और देखो गाइस क्या लुक आ रहा है भाई इस जगह का। इसी वजह से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, और ऊपर से ये लेजिस्लेचर जो यहाँ पे बिल्डिंग है वो तो अपने आप में पूरी अल्बर्टा के लिए एक मतलब यूनिक चीज़ है ही है, जो यहाँ लोगों का अट्रैक्शन है देखने के लिए। गाइस यहाँ लेजिस्लेचर ग्राउंड में ना ये इस तरीके वाले पाइन ट्री बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से नीचे देखो यहाँ पर ना ग्राउंड पर बहुत सारे पाइन्स पड़े हुए हैं इस तरीके से, छोटे छोटे से जो टूट करके गिरे हुए हैं। देखो यहाँ पर ये ऐसे ना। तो गाइज आज मुझको यहाँ पे लेजिस्लेचर में मौका मिला लॉन बॉल खेलने का। एक्चुअली एक ओपन हाउस चल रहा था, तो मैंने उसमें देखा कि यार ओपन हाउस है, चलो हम भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो बड़ा अच्छा मौका मिला, फर्स्ट टाइम था मेरा, बहुत फन किया गाइज यहाँ पर, मज़ा आया। पहली बार इस गेम को देख करके नई चीज़ें थी हमारे लोग के लिए सीखने के लिए। गाइस लेजिस्लेटर ग्राउंड जितना आज हैपनिंग हो रहा है इतना तो मैंने कभी नहीं देखा भाई यहाँ पर। बहुत लोग हैं भाई, बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये खैर मुझको ऐसा लगता है कि जैसे ना शादी का सीज़न होता है, लोग आते हैं तो यहाँ पर अक्सर करके मैंने देखा मैरिज फोटोशूट के लिए बहुत लोग आते हैं। आज वैसे ही कुछ मुझको यहाँ पर दिखा, नए नए कपल्स, उनके फैमिली के लोग इस तरीके से दिखाई दिए। पर हमारे लिए तो मतलब इतने सारे लोगों को एडवेंचर में एक साथ देखना भाई, ये भी अपने आप में एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि हाँ यार मतलब आज तो कुछ स्पेशल हो गया बिल्कुल। ऐसा मैंने मतलब एक दो बार देखा है, जिस दिन कभी ना आइस हॉकी का मैच होता है, एडमिंटन टीम जीत जाती है, तब मैंने मतलब इतना देखा है क्राउड एक साथ एक कहीं जगह पर, या मैं आज देख रहा हूँ इस तरीके से भाई, बहुत हैपनिंग लग रहा है। सो गाइज अभी हम लोग लेजिस्लेचर ग्राउंड से अपने घर पहुंच चुके हैं। मुझको तो लगा है कि पोलू ने आज अपना दिन फुल एंजॉय किया है, और उससे ही पूछते हैं पोलू कैसा रहा तुम्हारा दिन आज का। आज तो बहुत मजा आया, और मैं साइकिल भी सीख गया चलानी।
ओके गाइस, जैसे पोलू ने इंडिया में 1.5 साल पहले साइकिल चलाई थी तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो जैसे अब स्टार्ट करेगा साइकिल चलाना तो वो इजीली मतलब अपने आप को वापस से वो सारी चीजें रिकलेक्ट कर पाएगा कि वो कैसे चलाता था। बट आज मुझका मतलब बहुत प्राउड फील हुआ कि उसने बस थोड़ा सा टाइम लिया है स्टार्टिंग में, बट उसके बाद में बिना मेरी हेल्प के वो साइकिल को मतलब अपने आप से किक करना स्टार्ट करना भी चालू कर दिया, फिर उसमें मतलब ब्रेक लगा के रोकना भी वो भी स्टार्ट कर दिया। और मजे की बात तो ये हुई कि मतलब जैसा पहली बार वो यहाँ गियर की साइकिल चला रहा था तो आज उसने पहली बार अपने आप से चलती हुई बाइसिकल के अंदर गियर्स भी अपने चेंज किए उसने, तो बहुत बढ़िया मतलब तरीके से उसने मैनेज किया आज। और इतनी प्रैक्टिस किया उसने बहुत ज्यादा और बड़े अच्छे से आज वो मतलब चीजें हैंडल कर पा रहा था, मुझको तो बड़ा प्राउड फील हुआ ये चीज देख करके। सो गाइस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, आई होप को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ऑन कर देना जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, टेक केयर।